सर, अभी जिस प्रकार से आपने विधानसभा से जो बताया जाता है कि प्रमोशन कर आपने लोकसभा वैसे सांसदीय सीट नालंदा में, और खास करके नीतीश कुमार के गढ़ जो माना जाता है नालंदा, क्योंकि घर है वहाँ यहाँ पे, तो क्या कुछ लगता है इधर इस क्षेत्र के जनता, क्या वो ऐसे सपोर्टर्स, क्योंकि जिस प्रकार से आप पालीगंज में विकास किए हैं सर, क्या कुछ वैसे जनता को लेकर के क्या आपकी वैसे मन में संदेश है सर, कुछ वैसे? नालंदा जो है वो नालंदा नीतीश कुमार का घर नहीं है, बल्कि नालंदा की जनता का घर है। तो घर के लोग चाहते हैं कि बदलाव, सब लोग चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया, 28 साल से यहाँ जदयू का कब्जा रहा है एक तरह से, लेकिन नालंदा के जो ज्वलंत सवाल है उस पर कोई चर्चा नहीं। 15 साल से जो सांसद महोदय हैं उन्होंने नालंदा का कोई मुद्दा सदन में नहीं उठाया, उनका एक भी वीडियो हमने आज तक नहीं देखा, हमने बल्कि कही कि हमने उनका आवाज भी नहीं सुना। तो लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनके मुद्दे उठे। नालंदा जो है वो ज्ञान की भूमि है, लंबे समय से प्राचीन काल से ही यहाँ से ज्ञान का प्रसार पूरे देश में होता था, और आज नालंदा की स्थिति ये है कि यहाँ 20 प्रखंड हैं और अधिकांश प्रखंड इस तरह के हैं जहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज तक नहीं है। कुछ जगह पे है लेकिन अधिकांश जगह पे डिग्री कॉलेज नहीं है। तो एक तो सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए कि हर जगह डिग्री कॉलेज हो, जो हमने पालीगंज में भी संघर्ष काफ़ी किया, विधानसभा में भी उठाया, तो ये मुद्दा उठना चाहिए था। राजगीर जो है जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है, दुनिया भर से पर्यटक लोग वहाँ आते हैं, लेकिन ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली से एकमात्र श्रमजीवी एक्सप्रेस है जो राजगीर को कनेक्ट करती है, लेकिन जो देश के बड़े महानगर हैं उनसे कनेक्शन चाहिए था। और नालंदा की जनता ये जानती है कि सांसद महोदय जो अभी हैं वो रेलवे बोर्ड के ही मेंबर है विधान लोकसभा के अंदर, लेकिन तब भी यहाँ पे कई सारे रेलवे से संबंधित मांगे लंबित हैं। यहाँ के किसानों की समस्याएं हैं, यहाँ जो बरसाती नदियाँ हैं वो बरसात पे ही कम्प्लीटली निर्भर हैं। फल्गु नदी यहाँ आती है, फल्गु नदी में भी पानी इस बार नहीं आया, एक बूंद पानी नहीं आया, तो किसान इन समस्याओं को जूझ रहा है, तो ये मुद्दा कौन उठाएगा? तो इसलिए जनता चाहती है कि बदलाव। उसके अलावा देश का जो परिस्थिति है जहाँ पे संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया गया है उसको भी बचाना है। युवाओं के रोजगार का मसला है, इस्लामपुर के देखिए हमारे सैकड़ों छात्र नौजवान, उनके ऊपर अग्निवीर योजना का विरोध करने के चलते FIR दर्ज हुआ है। तो सब लोगों में नाराजगी है, सब लोगों में आक्रोश है, इसलिए सभी लोग मिल करके इस बार इंडिया गठबंधन को यहाँ पे जीत दिलवाएंगे और यहाँ बदलाव होगा। सर, आज जिस प्रकार से आपने नामांकन सभा का जो आयोजन आपने किया उसमें कई हमने देखे कि जितने नौजवक हैं अधिकतर मान के चलिए 80% नौजवक की वहाँ पे सभा रही, क्या कुछ नौजवक की आपके जो सपोर्टर्स हैं, क्या सिर्फ नौजवक ही हैं या कुछ वैसे महिलाएं बुजुर्ग जो भी हैं? नहीं देखिए, एक तो हर तरह के लोग थे और 200 प्रखंड से लोग आए थे, नौजवान थे, युवाओं की संख्या ज़्यादा थी, सही बात है, किसान मजदूर भी थे, महिलाएं भारी संख्या में थी, सभी समाज सभी धर्म के लोग थे। तो बदलाव की लहर है, और बल्कि कहिए कि मोदी सरकार ने जो 10 साल से देश को जिस तरीके से चलाया, इस बार आप मान लीजिए कि देश में मोदी सरकार को हटाने के लिए जनता चुनाव में उतर चुकी है, जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है। जनता हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं 20 आदमी, गांव में जाते हैं 200 हो जा रहे हैं, कैसे? गांव के सब लोग साथ में चल रहे हैं। अब किसी दरवाजे पर गए तो कहा कि ये तो यही है, अगला दरवाजे पर गए तो ये तो साथ ही घूम रहा, तो ऐसे स्थिति बनी हुई है। तो जनता खुद चुनाव लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो ED, CBI, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से अरबों रुपए जो BJP ने इकट्ठा किया है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, सब बैरियर टूटेंगे और इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगा। सर देखिए, नालंदा का जो सीट है सर, कहीं ना कहीं बहुत सारी वैसी समस्याएं, और नालंदा के खुद वैसे सर, क्योंकि पर्यटक जो स्थान है यहाँ बहुत वैसे लोग आते हैं बहुत दूर दूर से वैसे घूमने के लिए, जो भी या तो मैं कहूँ जिस प्रकार से अदर राज्य से भी या अदर देश से भी जो लोग आते हैं, और जो यहाँ के नालंदा खुद निवासी हैं उन्हें जब दिक्कत का सामना करना पड़ता, तो क्या कुछ वैसे आपने कुछ वैसे देखे, क्योंकि घूमने, क्योंकि आप सांसद प्रत्याशी होकर कुछ ना कुछ क्षेत्र में घूमे होंगे सर। जी जी, राजगीर का इलाका है जी। अब नालंदा में ताड़ के पेड़ बहुत है जी। अब जो पासी समाज के हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जो लंबे समय से ताड़ी का काम करते थे, ताड़ी उतारने का काम करते थे, नीतीश जी ने एक पॉलिसी ला दी, ताड़ी को गैरकानूनी कर दिया, और बड़ी संख्या में राजगीर के इलाके में जाएगा तो बड़ी संख्या में वहाँ के लोग हैं जो जेल में ताड़ी उतारने ताड़ी बेचने के चलते हैं। तो ये जो दारूबंदी की कानून नीतीश जी ने लाया है,
उससे गरीब बहुत प्रभावित है। तो एक तो ये है, अब उसको सरकार ने कोई वैकल्पिक जगह नहीं दिया, जो ताड़ी के काम कर रहे थे उसका कोई वैकल्पिक माध्यम नहीं है, उनको आगे बढ़ने के लिए कोई सरकार ने नहीं दिया है। तो ये सब लोकल कारण है। कई गांव ऐसे हैं जहां पे जल निकासी का माध्यम नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जहां पे सड़क की कनेक्टिविटी कमजोर है या नहीं है, जर्जर सड़क है वहां। वैसे गरीब पे ही वैसा शासन क्यों बना होता है सर, उसी पे धाड़ा क्यों लगता है सर, अमीरों पे क्यों नहीं वैसा? ये तो नीतीश जी को बताना चाहिए कि आप कानून जो लाए हैं शराबबंदी कानून, तो शराब तो सब जगह मिल रहा था, लेकिन जेल में जा रहा है सिर्फ दलित समुदाय के लोग, जेल में जा रहा है सिर्फ अति पिछड़े समुदाय के लोग, जिनकी सामाजिक हैसियत पहले से ही कमजोर है, उसको आप जेल में डाल दे रहे हैं, और बाकी जो हैं शराब माफिया वो कमा रहे हैं। तो ये सवाल पूरे बिहार का है, हम नहीं कह रहे हैं सिर्फ नालंदा का है, पूरे बिहार का है। नालंदा का ये है कि नालंदा में शिक्षा का प्रसार ज्यादा है। आपको कोई गाँव देहात में जाएंगे, महादलित टोलों में भी जाएंगे, तो वहाँ आपको ग्रेजुएशन मास्टर्स पीजी किए हुए लोग मिल जाएंगे, बीटेक किए हुए लोग मिल जाएंगे, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मिलेंगे जिन्होंने डिग्री हासिल की हुई है, लेकिन उस डिग्री का वो क्या करे, जब कोई बहाली नहीं आएगी, जब कोई रोजगार नहीं होगा, जब कोई कल कारखाना नहीं खुलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि नालंदा में कल कारखाना भी खुले, ताकि यहाँ के युवाओं को यहाँ मौका मिले, रोजगार मिले, पलायन रुके। एक सवाल है यहाँ पे, जैसे देखिए कि कई सारी योजनाओं के लिए यूनिवर्सिटी सरकार खोलना चाहती है, अब आपने किसी दो तीन गांव के किसानों की ज़मीनें चुन ली और उसको आपने बाउंड्री मार दिया, अधिग्रहित कर लिया। अब जब भूमि अधिग्रहण ग्रहण आपने किया, तो जो उसका कानूनी रूप से जो रेट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए सबको, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होता है। अगर आप नीतीश जी के आदमी हैं तो आपको ज़्यादा रेट मिलेगा, आप दूसरे आदमी हैं, आप नीतीश जी के आदमी नहीं हैं तो आपको कम रेट मिलेगा, आप कमजोर बैकग्राउंड से हैं तो आपको हो सकता है कि 20,000 रुपये प्रति कट्ठा के जमीन हिसाब से जमीन ले लिया जाए, आप थोड़ा मजबूत पकड़ वाले हैं तो आपको 2,00,000 रुपये मिल सकता है प्रति कट्ठा। तो ये और कई एक जगह पर लंबित है, जहां पर जमीन ले लिया गया किसानों का और वो उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, कई जगह पर जल प्रबंधन का संकट है नालंदा में। तो जनता इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने भी वैसे कुछ वैसे महिलाएं से कुछ मतलब पुरुष से भी बात की, तो जिस प्रकार से बोले कि संदीप सौरभ को इस पर लाना है, बदलाव चाहती, तो क्या कुछ वैसे जनता के साथ आप भी जिस प्रकार से पालीगंज में रहे हैं सर, क्या कुछ विकास को लेकर के, क्या कुछ साथ को लेकर के, यही जो मैंने कहा अभी कि नालंदा में जल प्रबंधन को दुरुस्त किया जाए, नदियों में पानी आए, किसानों को खेती में फायदा हो, कई जगह पे है खेती, किसान खेती कर रहे हैं, उनके गाँव और खेत के बीच में कोई नहर है और वहां से पुल की मांग है, उसके चलते उनका सब काम रुका हुआ है, तो ये सब मांग उठे, इस पे संघर्ष हो। बात सर, अगर मान के चलिए नालंदा से आपकी सीट निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं बोला जाए कि नीतीश कुमार के घर से निकाल करके गोड़ काट लिया गया है, जो पैर काट लिया गया है, ये सबसे बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार का पैर हम लोग क्यों काटेंगे, नीतीश कुमार का जो पार्टी है उसको तो खुद ही निकलने के लिए बीजेपी है जी। आप देखिएगा बीजेपी लोग, बीजेपी का आज तक किसी को छोड़ा है? मुकेश सहनी जी थे बीजेपी के साथ, चारों विधायक ले लिया, जबरदस्ती तोड़ लिया, एमएलसी थे, एमएलसी का इनका टेन्योर खत्म कर दिया गया, मंत्री पद से हटा दिया गया, अभी जब विपक्ष में आ गए हैं, महागठबंधन में हैं, तो चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। इतना ही नहीं किया गया, बल्कि जब घूम करके सभी जगह पे वो जनसभा कर रहे थे हेलीकॉप्टर से तेजस्वी जी के साथ, तो हमने देखा कि वाइस प्लस प्लस सिक्योरिटी जो उनकी थी वो हटा ली। तो बीजेपी जिस तरीके से देश चला रही है, वैसे देश में डेमोक्रेसी बच ही नहीं सकता। बीजेपी कहती है एक देश एक चुनाव, असल में वो चाहते हैं एक देश एक पार्टी एक नेता, एक ही नेता वो चाहते हैं, कोई नेता और नहीं बने। रेल मंत्री हैं, क्या उनकी हैसियत बची हुई है? कोई रेल का झंडा दिखाना होगा मोदी जी जाएंगे। विदेश मंत्री हैं, क्या उनका अहमियत है? विदेश का कोई दौरा होगा तो विदेश मंत्री नहीं करेंगे, मोदी जी करेंगे। तो एक देश एक पार्टी और एक राजा की तरह नेता, जो नेता आज तक 10 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जनता का कोई सवाल का जवाब वो नहीं देना चाहता। वैसे हमें जनता भी बोले कि अब बुजुर्ग हो गए, उन्हें चलिए सीट छोड़ देनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री की जो भी वैसे सीट है उन्हें छोड़ देना चाहिए था। प्रधानमंत्री है कहाँ, वो तो प्रचार मंत्री है। नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री समझे तो समझे, लेकिन हम नहीं समझते, वो प्रचार मंत्री है, झूठा प्रचार करते हैं। आपकी तैयारी आप किस प्रकार से एक जून को लेकर के रहेगी? हम लोग चुनाव देखिए बड़े बड़े मार्जिन से जीतेंगे, छात्र नौजवान यहाँ के युवा यहाँ के किसान मजदूर आम जनता सब लोग सभी जाति सभी धर्म के लोग चाहते हैं कि इस पर बदलाव हो।
बदलाव होगा। विपक्षी पार्टी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्षी पार्टी को हम क्या कहेंगे, जो किए हैं वो भुगतेंगे। विपक्षी पार्टी को इतना तामझाम के साथ नीतीश जी आए थे इंडिया अलायंस में, घूम घूम करके कह रहे थे कि हम विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। मीडिया के बंधुओं को क्या कह रहे थे नीतीश जी, कि आपको शिकंजे में ना रख लिया गया है, आपको तो कब्जा में रख लिया गया है, आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपको कब्जा से मुक्त कराएंगे, और ये कहते कहते खुद ही कब्जे में चले गए। तो राजनीति के अंदर सिद्धांतहीनता इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार आज के समय में, जनता दल यूनाइटेड पार्टी आज के समय में राजनीति के भीतर सिद्धांतहीनता का प्रतीक बन गए। कोई पॉलिटिक्स के अंदर कोई एथिक्स नहीं रहेगा, नैतिकता बचेगी नहीं, विचारधारा बचेगी नहीं, कोई सिद्धांत बचेगा नहीं, तो नीतीश कुमार हो जाएगा। यही हो रहा है।